बोलते हैं ससुराल में क्या है, बिहार में क्या है, तो बिहार में देखिए इतना अच्छा अच्छा जगह है घूमने के लिए। आप सभी को अभी बहुत सारे जगह है कि अभी घुमाना है, मेरे को दिखाना है, तो चल। हाय गाइस, बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम लोग निकल चुके हैं, हम छठू देख लो छठू निकल चुके हैं हम लोग आप सभी को पायलट बाबा दिखाने के लिए, जो नया बना है। तो दिखाते हैं आप सभी को पायलट बाबा, बने रहिए तब तक हमारे ब्लॉग पर। फाइनली छठू जा रहा है बैंक में पैसा वगैरह निकालेगा शिवसागर। तो हम जा रहे हैं अभी ऑटो से जा रहे हैं, तब तक बने रहिए, दिखाते हैं। बाय बाय छठू। फाइनली ऑटो पर बैठ चुके हैं, आ भी गए कुछ दूर, मतलब ससरा में एंट्री कर चुके हैं। ये देखिए अभी पहुंच रहे हैं, तब तक बने रहिए। ये देखिए सीएनजी के लिए कितना लंबा लाइन लगा है, भाई के पास चेंज नहीं था तो अभी गया है चेंज कराने के लिए। देखिए भाई पैसा चेंज करा कर देगा। आ गया भाई, जा रहे हैं। फाइनली बैठ चुके हैं ऑटो पर, यहाँ से भाई के पास जा रहे हैं, वहाँ से पैसा वैसा दे दिया, ऑटो पर बैठ गया है। और लगेगा मेरे को 5 मिनट, देखिए ऑटो 5 मिनट लगेगा मेरे को, 5 मिनट पहुँच जाएगा वहाँ पर। फिर आप सभी को दिखाते हैं कि ऐसा है मेरा ये देखिए वहाँ बैठे हैं महादेव जी। तो आ गए पैलेट बा, बने रहिए, अंदर चलते हैं और दिखाते हैं कितना अच्छा व्यू है, कितना अच्छा नज़ारा है। ये देखिए कितना अच्छा नज़ारा है, अभी जा रहे हैं अंदर, बाहर से देख सकते हैं कितना अच्छा नज़ारा है। तो देखिए धूप भी बहुत ज़्यादा है, अब अंदर जा रहे हैं, तब तक बने रहिए और दिखाते हैं कितना अच्छा है। पार्किंग के लिए है वहाँ पर, क्योंकि बाइक वगैरह फोर व्हीलर वगैरह लगा सकते हैं आप लोग। अभी अंदर जा रहे हैं, तो देखिए अंदर आ गए, दिखा रहे हैं। इधर देखिए, इधर गणेश जी और कोई बहुत सारे हैं देवता लोग। इधर काली माई है, देख सकते हैं आप लोग। तो अंदर जा रहे हैं, अभी देखते रहिए। ये देखिए अंदर का, तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है। इधर देखिए, जो कि अंदर जा सकते हैं आप लोग, जो कि मेन है गेट, यहाँ से आप लोग अंदर जा सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं भगवान का। तो ये देखिए अंदर का व्यू, अंदर फोन अलाउ नहीं है इसलिए हम फोन नहीं ले जाएंगे अंदर, यहीं से कैप्चर करके कुछ दिखा रहे हैं आप सभी को जितना हो सकता है। तो फाइनली तिलक भी लगवा लिए हैं, देख सकते हैं बहुत अच्छा लग रहा है, और दर्शन भी कर लिए अंदर, फोन तो अलाउ नहीं है। बाहर से आप सभी को सब दिखा रहे हैं, मतलब जो भी है दिखा रहे हैं अभी। तो ये देखिए कितना अच्छा है, अंदर में आप लोग जाइएगा तो मतलब क्या बोले हैं, अंदर में जाइएगा तो बहुत अच्छा नज़ारा है, क्योंकि फ़ोन अलाउ नहीं है, फ़ोन होता है अलाउ तो आप सभी को दिखा सकते थे, पर नहीं अलाउ है, थोड़ा प्रॉब्लम है। तो आइए आप लोग आकर घूमिए। तो यहाँ पर देखिए, जो कि बुद्ध भगवान है, बुद्ध जी हैं, तो यहाँ पर अलाउ है, तो यहाँ अंदर जा रहे हैं, अंदर में दिखा रहे हैं आप सभी को। फाइनली अंदर जा रहे हैं क्या भैया? तो फाइनली अंदर जा रहे हैं, देखिए यहाँ पर फोन अलाउ है तो आप सभी को दिखा रहे हैं। देखिए कितना, मतलब पार्क वगैरह जैसा है, कितना अच्छा है। अंदर में अभी नहीं जा रहे हैं, अंदर में जाएंगे तो आप सभी को दिखाएंगे। ये बाहर का व्यू दिखा रहे हैं, देखते रहिए। अभी कुछ काम हुआ है, कुछ अभी बाकी है, देख सकते हैं आप लोग जो कि रहा और रहा। ये देखिए कितना अच्छा है, और इधर भी देखिए, देख सकते हैं। फाइनली अंदर आ गए हैं, तो देखिए अंदर का नज़ारा। आप लोग बोलते हैं ससुराल में क्या है, बिहार में क्या है, तो बिहार में देखिए इतना अच्छा अच्छा जगह है घूमने के लिए। आप सभी को अभी बहुत सारे जगह है कि अभी घुमाना है, मेरे को दिखाना है,
तो चलते हैं बाहर, अभी और कुछ दिखाते हैं आप सभी को, तब तक बने रहिए हमारे ब्लॉग पर। तो फाइनली आप तो देख सकते हैं सब बाहर का नज़ारा है, जो भी ये देखिए, मतलब भारत माता जी हैं वहाँ पर, झांसी की रानी जी हैं, मतलब बहुत सारे हैं, जो कि अभी अभी काम भी लगा हुआ है। आप लोग आइए घूमिए और देखिए हमारे बिहार में क्या है और क्या नहीं है, कितना अच्छा प्लेस है घूमने लायक। ये देखिए हंस वगैरह है और खरगोश वगैरह है यहाँ पर। इधर में मठ वगैरह है, क्योंकि देख सकते हैं जो भी पुजारी वगैरह है, मतलब रहने के लिए वो सभी को, सभी के लिए है, क्योंकि देख सकते हैं आप लोग घूमते घूमते अगर थक जाते हैं आप लोग तो वहाँ पर फाइनली बैठ सकते हैं। देखिए आप लोग बैठ सकते हैं वहाँ पर, बैठने के लिए बनाया हुआ है, क्योंकि बैठ सकते हैं आप लोग। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, जो कि व्यू कितना अच्छा है, कितना मस्त है। अभी बहुत बहुत मतलब क्या बात है, बहुत दूर में है तो अभी आप सभी को दिखा रहे हैं, देखते रहिए आप लोग। ये देखिए पार्किंग वगैरह बना हुआ है, मतलब इधर में देख सकते हैं, क्योंकि बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा लग रहा है। भाई लोग भी आ रहा है, घूम रहा है, कहाँ से आए भाई लोग? बक्सर जिला। तो ठीक है आप लोग आइए घूमिए और देखिए हमारे ससुराम में क्या है। और इधर देखिए हमारे महादेव जी हैं जो कि छुपे हुए हैं, देखिए कितना प्यारे लग रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहे हैं। सब लोग दर्शन कर रहा है क्योंकि सावन का महीना चल रहा है। आप लोग आइए इनका भी दर्शन कीजिए और जो भी मांगना है मांगिए, सब पूरा करते हैं महादेव जी। तो देखिए इधर यहाँ पर महादेव जी का मंदिर है, तो अंदर में भी फोन अलाउ नहीं है, तो अंदर में भी जाएंगे हम, सिर्फ हम जाएंगे घूमेंगे और आप सभी को दिखाएंगे, जितना भी बाहर का नज़ारा है सब आप सभी को दिखाएंगे। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। पर देखिए हमारी माता जी हैं, काली माई हैं, देखिए और दिखाते हैं, मतलब पीछे का है सब, पीछे का बैकग्राउंड तो देख सकते हैं आप लोग, दिखा रहे हैं आप सभी को, बने रहिए। बहुत मतलब बड़ा है तो आप सभी को दिखाने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, आइए आप लोग घूमिए। देखिए ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, जो कि कितना अच्छा है और कितना मस्त लग रहा है। तो इधर भी माता जी हैं जो कि आप सभी को दिखा रहे हैं, दिखाने का अपने आप से तो बहुत प्रयास करेंगे, जितना भी दिखा सकते हैं दिखाएंगे आप सभी को। तो आप लोग देखते रहिए, दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर माता जी का है जो मंदिर है, देखिए माता जी हैं, तो ये देख सकते हैं आप लोग, मतलब हाथी वगैरह है, सब लोग हाथी और बनाया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं बहुत कितना अच्छा अच्छा नज़ारा है और कितना अच्छा लग रहा है। ये देखिए कितना मस्त लग रहा है, आप लोग देख सकते हैं, बहुत बड़ा है। और देखिए उधर बाग वगैरह भी है जो कि बनाया गया है और बहुत प्यारा लग रहा है। आप लोग देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ये सब देख सकते हैं आप लोग। तो ये भी देख सकते हैं, मतलब इधर से पाछे से बैकग्राउंड कैसा लग रहा है, क्योंकि शंकर जी हैं वहाँ पर, और बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि सावन का महीना भी चल रहा है, तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर आकर भी बहुत अच्छा लगा, दिल हैप्पी हैप्पी हो गया। तो आप लोग भी आइए घूमिए। तो इधर में देखिए हमारे कृष्ण जी हैं और राधा जी हैं, क्योंकि देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहे हैं, बहुत सारे हैं, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग। तो आप लोग देख सकते हैं जब मतलब जा रहे हैं, अंदर में जा रहे हैं, तो अंदर का नज़ारा है, जा रहे हैं द्वार का नज़ारा है, तो देख सकते हैं आप लोग कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, देख सकते हैं। तो फाइनली देखिए हमारे प्रभु श्री राम जी हैं जो कि वहाँ आ रहे हैं, देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहे हैं, वो भी बहुत अच्छा लग रहे हैं, महादेव जी के बगल में है, बहुत अच्छा लग रहे हैं। जब गेट से एंट्री कर रहे हैं अंदर जाने के लिए, तो मतलब गेट का अंदर का नज़ारा है जो कि आप लोग जा रहे हैं, बहुत बड़ा है, तो देख सकते हैं आप लोग कितना प्यारा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। आइए आप लोग घूमिए और फुल एंजॉय कीजिए तब तक। तो फाइनली हम घूम चुके हैं, आप सभी को दिखा चुके हैं, हम तो कितना बार आए हैं यहाँ पर, मतलब हम लोग का आप घर के पासे में है तो क्या करें, कितना बार आ चुके हैं हम लोग। तो आप सभी को दिखाना था हमारे ससुराल में क्या है, तो आप सभी को दिखाने के लिए बस आ गए, तो दिखाना ही है, मेरा काम है जो काम करना ज़रूरी है। तो आप सब देख लिए और आइए ससुराल में हमारा घूमिए और देखिए कितना अच्छा है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बने रहिए हमारे ब्लॉग पर। बाय बाय।